हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर 85 पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फोटो एडिटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे फोटो में बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो सके, एकदम चेंज कर सकते हैं और लाइट पीएनजी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो आज का वीडियो खास आपके लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर 85 पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हाल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले ऐसे और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना, इस पे आपको लिखना है रिमूव बीजी। तो आप एक वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, तो उस पे आपको ये टैप कर देना ये टैप। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रखा अपलोड इमेज, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने गैलरी से फ़ोटो ले आना जिसका भी बैकग्राउंड रिलीज करना हो। तो हमारा फोटो लेके आ जाते हैं, इसके अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें जो भी बैकग्राउंड लेना है अपने गैलरी के अंदर जाके आप अपना बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हो। हम अपना बैकग्राउंड ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे शेयर पर क्लिक करके अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से शेयर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड फोटो पर क्लिक करके अपना रिमूव बैकग्राउंड किया हुआ अपना फोटो ले आना है। उसके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने छोटा बड़ा करके यहाँ पे आपको लगा देना है। जैसे कि मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं बड़ा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आप स्क्रॉल करके ड्रॉ पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको मोर पे क्लिक कर देना। यहाँ पर डाउनलोड सेव इमेज दिख देगा, मोर से आपको यहाँ पे लाइट रूम के अंदर सेव कर देना। तो यहाँ से आपको जो भी ये फोटो दिख रहा है इसकी ये प्रीसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आपको सेटिंग कॉपी करके अपने फोटो पे पेस्ट कर देनी है थ्री डॉट पर क्लिक करके। इसके बाद आपको वापस यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इसे फोटो को ले आना। इसके बाद यहाँ पे आपको टूल पे क्लिक करके अपने हेयर को आप ठीक करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, वरना आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्किप करके आके से देख सकते हो। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना, उसके बाद वापस स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है रेड पी रेड लाइट। तो उसके बाद यहाँ पे एक लाइट दिख जाएगी। उसके बाद ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपको स्क्रीन कर देना और अपने बैकग्राउंड में लगा देना जहाँ भी आपको लगानी हो छोटी बड़ी करके। इसके बाद डुप्लीकेट बनाने लेनी है इसकी और अपने बैकग्राउंड में लगा लेनी। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है पूरा फोटो रेडी होने के बाद। इसके बाद वापस आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर स्क्रॉल कर देना है यहाँ से और ड्रॉ पे क्लिक करके वापस इसे एक ऐप दिखाई देगा जिसका नाम है आपको फोटो रूम। उसके अंदर आपको शेयर करना है, तो हम शेयर कर लेते हैं। ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं, यहाँ पे आपको आर नाम का लोगो दिख रहा है, उसके अंदर आपको सेव कर लेना है अपने फोटो को। थोड़े से प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे ब्लर दिख जाएगा आपको एक नियम। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो दिख चुका है, इसके यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको नीचे बैकग्राउंड दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको वापस स्क्रॉल करना है तो आप ब्लर पर क्लिक कर देना और डिस पर क्लिक कर देना आपको। उसके बाद इसको 30 के आसपास रख लेना नीचे वाले को, जिसका जिसके वजह जिस, इसके बाद आपको शेयर कर देना है अपने फिक्स आर्ट के अंदर ऐप के अंदर वापस से। इसके बाद आपको स्टिकर क्लिक करके एक पीएनजी ले आनी रोज वाली, तो यहाँ पे आपको लिखना है रोज ग्लो। तो आपको यहाँ पे एक पीएनजी मिल जाएगी स्टिकर,
स्क्रॉल करने के बाद हम ये वाले ले लेते हैं, आप कोई से भी ले सकते हो। उसके बाद ब्लेंडिंग में स्क्रीन कर देना और अपने बैकग्राउंड जो भी लाइट है उसके बीचों बीच में लगा देनी है, जिससे कि ये चमक चमक सके। और इसकी डुप्लीकेट बना के आप अपने सभी लाइट के ऊपर डाल सकते हैं इसे। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है पूरा रेडी होने के बाद। उसके बाद वापस आपको ड्रॉ पे आ जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे अपने स्केच बुक ऐप के अंदर सेव कर शेयर कर लेना है, जिससे कि हम अपना फोटो के चेहरे को ठीक कर सके इसके अंदर। इसके बाद ये ब्रश की सेटिंग है, आप देख सकते हो ये वाली। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिर के ऊपर या चेहरे के ऊपर यहाँ पे किसी के ऊपर फेर सकते हो। आईज पर लिप्स पर ज़्यादा नहीं कहना है यहाँ पे। इसके बाद हम अपने हाथों पर भी फेर लेते हैं, आप भी अपने हाथों पर इसे फेर सकते हो। इसे हल्का हल्का फेरना, ज़्यादा नहीं फेरना वरना आपका फोटो में गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में एक बटन दिखा, उस पर क्लिक करके गैलरी से आपने सेव कर लेना है। तो फाइनली हमारा फोटो रेडी हो चुका है। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए हमारा फोटो एकदम रेडी हो चुका है, बैकग्राउंड वगैरह सब ठीक।